अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पेट्रोल के बाद किरायों में इजाफे ने रही सही कसर भी निकाल दी। कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। एमक्यूएम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ताजर बिरादरी और सीएनजी एसोसिएशन फैसले से नाराज। कराची में क्याम अमन के लिए बिला तफरीक कार्रवाई करने का फैसला। शहर के हालात मामूल पर आने लगे, मार्केटें खुल गई। बड़ी पार्टियों ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। किसी आईनी तरमीम पर कौम को एतमाद में नहीं लिया गया, शेख रशीद ने वाजह कर दिया। डेरा गाजी खान में मामूली झगड़े पर नौजवान की नाक काट दी गई, मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। मुल्तान की धागा फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों रुपए सामान जलकर राख हो गया। सिंध गेम्स इंतजामिया जमाने की रफ्तार से भी तेज, एथलेटिक्स को 2121 के मेडल से नवाजा। और लैया में पाबंदी के बावजूद भैंसों की लड़ाई, गब्बर सिंह ने मैदान मार लिया।